गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पर करीब 6:45 बजे सुबह के अपनी किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। तो मैं सबसे पहले तो सूजी को अच्छे से भिगो दी थी रात में ही फ्रेंड्स, और उसके बाद भीग गया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें बारीक प्याज काट करके डाली हूँ, नमक और दही को मिक्स करी हूँ, और जब अच्छे से मिक्स कर ली उसके बाद यहाँ पे मैं तवे को अच्छे से गर्म करी, फिर हल्का सा इसमें रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का चीला फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे चीला को छिलका भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, क्यों बना रही हूँ इतना सुबह, क्योंकि मेरी बेटी का पहले डे था स्कूल और अब मॉर्निंग हो चुका है, इसी वजह से दोनों बच्चे का स्कूल, अभी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मॉर्निंग हो गया है तो मेरे को जल्दी ही उठ के अब बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहो, आगे आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स। और अब ये लगभग बन ही चुका है और बना रही थी ना, तो इधर से मेरी बेटी लोग आवाज़ दे रही थी, मम्मा ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे है बेटा। करीब 6:15 बजे अपनी बेटी को बस स्टॉप पास छोड़ देती हूँ, फिर आ करके मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मैं छत आ गई हूँ पूजा करने के लिए और यहाँ पे पापा जी सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को एक मैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सूरज ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, देखो कितना तेज़ धूप आ चुका है, अभी 9:15 हो रहा होगा और मैं अभी पूजा करके जस्ट आई हूँ छत में। फूल तोड़ रही थी, तोड़ के फिर गई, पूजा वगैरह सब कर चुकी हूँ, नाश्ता भी बन चुका है बेटी को स्कूल से छोड़ने के बाद, जल्दी जल्दी सब कुछ कर ली हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। मंडे है तो मंडे के दिन मैं मंदिर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में देखो ये है पुदीना पत्ता, कितना सारा हुआ है, और यहाँ ये है कड़ी पत्ता, और ये देखो हमारा टमाटर। इधर देखो ये सब कांदा भांजी, यहाँ पर भी देखो पुदीना भी है और कांदा भाजी भी है, दोनों एक साथ। सब मेरी जेठानी रोपी है। और इधर देखो ये सब है ना, सब टमाटर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए मंदिर। ये देखो ये मेरा पूजा थाली है, मंदिर लेके जाऊंगी और यहाँ पे पूजा कर चुकी हूँ। ठीक है, ज्यादा हो गया, छत में इतना धूप था दिख ही नहीं रहा था। Ha
जा चलो जल्दी किसी भी दिन। ठीक है, क्यों कोई ले लेगा क्या बेटा? कौन लेगा? क्यों ली बेटा? डांटूंगी, चलो इसको ला मैं करूं। और आइस लेके आ जा, आइस लेके आ बेटू, आइस लाना। और देखो बना रही है। क्या बना रहा है बेटा? देख आइस रसना रसना, ये पानी पी रहा है। तो फ्रेंड्स, ये शाम का व्यू है जब दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और फिर सब सो करके उठ जाते हैं। दोपहर में ही आ जाते हैं 12-1 बजे तक, और फिर लंच वगैरह करके सो जाते हैं। उसके बाद उठते हैं ना, तो इन लोग शाम में रसना लेके आते हैं और फिर यहाँ पे बना रहे हैं। तो मेरा बेटा पहले से ही आ करके बना रहा था, तो मैं यहाँ आ गई, फिर मदद करी और बता रही थी ऐसे ऐसे करो। और यहाँ पे मेरी मदद मेरा बेटा कर रहा था, वो भी रसना को फेंट रहा था। और ये रसना मैं पापा मम्मी और बच्चे, तीनों बच्चे के लिए बनाई हूँ, और फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं चाय बनाई हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस, नीचे वाले ऑफिस में काम कर रहे हैं। फिर हम दोनों साथ में चाय वगैरह पीते हैं यहीं पे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि हमारा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना फ्रेंड्स, और बड़ों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए फ्रेंड्स। ले लीजिए। Dun dun dun.